सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। और आज के वीडियो में गाइस मैं ऐसा मॉड इंस्टॉल करने वाला हूं जो कि माइकल के हाउस को एकदम खतरनाक बना देगा और बहुत ही बढ़िया दिखेगा। ठीक है, ये जो मॉड है गाइस, ये आप अपनी GTA 5 की स्टोरी लाइन में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपनी खुद की स्टोरी बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी गाइस आप ये मॉड यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप ऐसा बता सकते हो कि गाइस आप ना अपने घर को थोड़ा लाइक यू नो इंटीरियर वाइज बदल रहे हो, एक्सटीरियर वाइज बदल रहे हो, ऐसा कुछ आप बता सकते हो। ठीक है, आपकी स्टोरी है, आप अपने तरीके से भाई अपना दिमाग लड़ाओ। और बहुत अच्छे में भाई ये मॉड जो है ना, भाई सच कहूँ ना, बहुत बढ़िया मॉड है भाई। ठीक है, तो हम लोग ना सबसे पहले गाइस इस मॉड को डाउनलोड करेंगे। और एक्चुअली मैं इस मॉड को रन करने के लिए गाइस ना हमको कपल ऑफ फाइल्स चाहिए होगी। सबसे पहली चीज जो कि हमको चाहिए वो है OpenIV। ठीक है, दूसरी चीज जो कि हमको चाहिए वो है स्क्रिप्टो की फाइल्स। और तीसरी चीज जो कि हमको चाहिए वो है मॉड्स फोल्डर। और चौथी चीज जो कि हमको चाहिए जो कि GTA 5 के अंदर जो कि डिफरेंट फाइल्स होती है, वो गाइज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बाकी स्क्रिप्ट हुक, ओपन आईवी और मॉच फोल्डर को कैसे बनाते हैं वो सब कुछ चीज़ें गाइज मैंने अपने वीडियो में कवर कर लिया, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहां से जाके स्क्रिप्ट हुक इंस्टॉल कर लो, ओपन आईवी इंस्टॉल कर लो और मॉच फोल्डर बना लो। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग करते हैं इस मॉड को डाउनलोड। तो इस मॉड को डाउनलोड करने के लिए गाइज हमको खाली सिंपली ये 7.1 जो करंट वर्जन है इसको हमें गाइज कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, मैंने देखो भाई यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मैं नहीं करने वाला। तो फटाफट से भाई आगे बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे रन करूंगा OpenIV को, और जब तक OpenIV रन होता है तब तक मैं जाता हूँ अपनी डायरेक्टरी के अंदर और वहां से गाइज मैं ओपन कर लेता हूँ अपना ये फोल्डर। ठीक है, तो ये है गाइज अपना मॉड। और जैसे कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो इस मॉड के अंदर यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, फर्नीचर सेट, हाउस इंटीरियर, अदर्स। ठीक है, तो एक्चुअली में इस मॉड के अंदर ना गाइस इन्होंने हमको बताया है कि हमको कौन सी चीज़ें कहाँ पे इंस्टॉल करनी है। ठीक है, हर एक चीज़ों का गाइस उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर का फोल्डर ओपन करेंगे और देखो यहाँ पे उन्होंने install.txt दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो हमको x64h की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम लोग OpenIV में आएंगे, एडिट मोड को रन करेंगे। ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे नीचे जाना है और ये जो x64h की जो फाइल दिख रही है इसको हमें यही से ओपन करना है। अभी हमको यहाँ पे ऊपर ऐसा प्रॉम्प्ट देगा कि कॉपी टू मॉच फोल्डर में यहाँ पे कर देना है क्लिक। तो ये जब तक कॉपी टू मॉच फोल्डर होता है ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा मॉच फोल्डर के अंदर। सो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे मॉच फोल्डर के अंदर गाइज यहाँ पे x64h आ चुका है। अभी हमको क्या करना है, x64h को ओपन करना है, इसके अंदर जाना है गाइज हमको लेवल्स के अंदर, GTA 5 प्रॉप्स, यहाँ पे रेसिडेंटल के ऊपर जाना है और यहाँ पे वी इलेक्ट्रिकल जो आपको दिख रहा है ना इसको ओपन करना है। और हमें ये सभी फाइल्स जो है सीवाई इंस्टॉल txt ये सभी सिलेक्ट करके यहाँ पे हमको ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज अपना ये जो प्रॉप्स वगैरह है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे एक प्रॉप को ओपन करेंगे, हम लोग ये प्रॉप को ओपन करके देखें। तो इसका मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो ये रहा गाइज अपना प्रॉप। और जैसे ही मैंने इस प्रॉप को ओपन किया, जैसे कि आप देख सकते हो ये देखो विंडोज 10 का टेक्सचर है इस कंप्यूटर का, और आई थिंक ये हाँ डेस्कटॉप आई थिंक वही है बट ये टेक्सचर जो है विंडोज 10 का है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये अपना कंप्यूटर तो हो चुका है इंस्टॉल। ठीक है, अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपना एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर के लिए भाई इंस्टॉल txt में ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमको चाहिए x64l। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि x64l की फाइल को हम लोग यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो jkl ये रहा, हमें इसको करना है कॉपी टू मॉस फोल्डर। ठीक है, ये जब तक कॉपी होता है ठीक है तो हम लोग वेट करते हैं। ओके, तो जैसे कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो x64l है वो भी वापस से कॉपी हो चुका है अपने मॉड्स फोल्डर के अंदर। हम लोग इसके अंदर जाएंगे, लेवल्स के अंदर जाएंगे, GTA 5 CTW के अंदर जाना है। ठीक है, Beverly_01 के अंदर जाना है और वहां पे गाइज हमको यहाँ पे देखेगा BH_48। ठीक है, तो ये BH_48 है, इसको हमें ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पे गाइज हमको ये सभी चीज़ें सिलेक्ट करके डाल देना है cyinstall.txt। ठीक है, हम लोग यहाँ से कोई भी ये मेंशन वाला ओपन करते हैं। ठीक है, ये YTD फाइल है, अच्छा मैं टेक्सचर फाइल है, तो हम लोग आई थिंक इसको ओपन कर सकते हैं या नहीं, लेट्स सी। तो ठीक है, ये देखो यहाँ पे टेक्सचर फाइल है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये देखो घर के टेक्सचर दिख रहे हैं, देखो दरवाजे का टेक्सचर है, ये बाहर का एक्सटीरियर है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये गाइज ये हमने इंस्टॉल किया है। ठीक है, दूसरी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है फर्नीचर सेट की। तो फर्नीचर सेट हमको कहाँ पे करना है, x64c की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से भाई
माउस फोल्डर में वापस से डाल देंगे X64C। मैं एक एक करके क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज आपको अच्छे से आइडिया है, इसलिए मैं गाइज आपको एक एक करके बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं चाहता ना तो सभी सभी फाइल्स को अच्छे से मैं पहले से ही माउस फोल्डर में कॉपी कर लेता और आपको फटाफट से बता सकता था। बट मेरे को ऐसा चाहिए कि गाइज आपको ना एकदम अच्छे से आ जाए, ठीक है, इसीलिए गाइज मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा यहाँ पे माउस फोल्डर के अंदर X64C भी आ चुका है। हमको उसको ओपन करना है, जाना है लेवल्स के अंदर, GTA 5 इंटीरियर्स के अंदर जाना है, ठीक है, इंटीरियर प्रॉप्स, और यहाँ पे गाइज हमको जाना है इंटीरियर रेसिडेंशियल के अंदर। और भाई हमको क्या करना है कि भाई यहाँ से सभी फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन जस्ट क्लिक एंड ड्रॉप राइट हियर। ये एक्चुअली मैं ना रिप्लेस कर रहा है माइकल के घर के जितने भी प्रॉप्स वगैरह सब कुछ है ना, ये खाली इसको रिप्लेस कर रहा है बट उसको मॉडर्नाइज भी कर रहा है, ठीक है, साथ साथ में। हम लोग ना भाई ओके, हम लोग ये वाला भी कर लिया, अभी हम लोग जाते हैं वापस से पीछे। अभी हमारे पास है दो और चीज़ें बाकी है, तो हाउस इंटीरियर मॉडिफाइड, उसको कहाँ पे करना है हमको, तो हमको करना है X64H लेवल्स GTFI इंटीरियर्स VINT44, ठीक है। हमने आई थिंक X64H ऑलरेडी देखो यहाँ पे कॉपी कर दिया, X64H लेवल्स GTA 5 इंटीरियर्स पे जाना है और यहाँ पे क्या करना है, VINT44, ठीक है। तो 44 कहाँ गया, ये रहा 44। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये वाली फाइल को सिलेक्ट करनी है और ये वाली देखो ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये आई थिंक माइकल के डॉटर का रूम है, जो ट्रेसी है ना उसका रूम है आई थिंक, ठीक है। हमने गाइस VINT44 का भी काम कर दिया। अभी हम लोग जाते हैं अपनी लास्ट फाइल को इंस्टॉल करने के लिए, जो कि है अदर्स की फाइल, ठीक है। अदर्स कहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं X64C जो हमने कॉपी किया ना, वहीं पे हमको करना है। कहाँ पे, X64C लेवल्स GTA 5 इंटीरियर इंटीरियर रेसिडेंशियल में ही करना है भाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड्स X64C लेवल्स GTA 5 इंटीरियर्स इंटीरियर प्रॉप्स रेसिडेंशियल, और यहाँ पे गाइस हमको ये चीजें करनी है, यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट। तो गाइस हमने यहाँ पे इस मॉड को इंस्टॉल कर लिया है। अभी इसको एक्चुअली में रन करने की वो डीएल सीरीज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी रन हो चुका है, ठीक है। तभी हम लोग जाएंगे GTA 5 के अंदर एंड लेट्स सी कि भाई माइकल का घर जो है वो कितना डिफरेंस लाया है, ठीक है। तो लेट्स गो इन द गेम। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं GTA 5 के अंदर और देखते हैं कि भाई माइकल का जो घर है वो कैसा दिख रहा है, क्योंकि मैं खुद एक्चुअली मैं इस मॉड के लिए एक्साइटेड हूँ। मैंने अभी तक इस मॉड को कभी भी यूज नहीं किया, तो चलो भाई देखते हैं कि भाई क्या चक्कर है। गेट तो ऑलरेडी खुल चुका है भाई साहब, इसका तो पूरा एक्सटीरियर ही चेंज हो गया, मतलब गाइस देखो यार पूरा दीवार एकदम चेंज हो गया भाई। चालू करता है हाउस का टोर यार, मैं ना पीछे से चालू करता हूँ, ठीक है। मेरे को स्विमिंग पूल का एरिया सेट, ओबे भाई ये देखो ये भी चेंज हो गया है, ये देखो पूरा व्हाइट फ्लोर हो गया इसका, ये व्हाइट फ्लोर नहीं था। ओ भाई साहब रास्ता तो देखो, देखो पूरा फर्स्ट पर्सन में मैं स्विच कर देता हूँ भाई साहब, भाई ये पूरा रास्ता चेंज हो चुका है और ये पूरे दीवार वगैरह गाइस सब कुछ चेंज हो चुका है। मतलब कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब, अरे यार भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, सच कहो ना मेरे जेन्यून रिएक्शन है भाई, ये मैं वीडियो के लिए नहीं कर रहा भाई, सच में माइकल का घर बहुत ही बढ़िया हो चुका है यार। गाइस ये तो देखो यार पूरा एक्सटीरियर तो चेंज हो चुका है, ये देखो पूरा ये वाला वॉल भी गाइस चेंज हुआ है भाई, ये वाला वॉल भी चेंज हुआ है यार। और गराज भाई गराज देखते हैं, गराज देखते हैं भाई, गराज 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 गराज, क्योंकि भाई गाड़ियों का ओ भाई गराज का इंटीरियर भी काफी बढ़िया कर दिया है यार। थोड़ा मेरे को ना मेंशनरी जो फील होता है ना, उन्होंने ऐसा फील किया हुआ है, मेंशनरी फील किया हुआ है भाई भाई भाई, सच कहूँ ना बहुत बढ़िया लग रहा है यार, इसने घर बहुत बढ़िया बनाया है भाई, थैंक यू क्रिएटर यार जिसने भी ये घर बनाया है। अरे भाई वुडन वुडन फ्लोरिंग, भाई वुडन फ्लोरिंग देखो, अबे तू जा यहाँ से, देखो अपना भाई इंडिया का ताजमहल भाई, इंडिया का ताजमहल भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। अपने इंडिया का वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो पटरी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, मैनिक्विन है यहाँ पे, बट भाई देख सकते हो यार बहुत बढ़िया लग रहा है यार पूरा टेक्सचर यहाँ पे। ओ भाई साहब, भाई यहाँ पे अमेंडा का फोटो होता था आई थिंक, तो उन्होंने यहाँ पे माइकल का स्विच कर दिया यार। चुप, ओ भाई भाई ये देखो भाई इंटीरियर देखो भाई, पूरा रेड ब्लैक एंड व्हाइट भाई, बहुत बड़ा इंटीरियर है यार, बहुत बढ़िया। अबे देखो इसका टीवी, हाँ टीवी तो है, मेरे को लगा टीवी, ओ भाई यार बहुत बढ़िया लग रहा है, हाँ यार बहुत बढ़िया। अबे ये देख ये लोग, अबे कुर्सी कहाँ गया, जिमी तेरा कुर्सी नहीं है क्या, आई थिंक लोड नहीं हुआ होगा, मतलब भाई थोड़ा ए ए ए वो देख विंडोज विंडोज, ओ भाई विंडोज का स्क्रीन यार, विंडोज का स्क्रीन भाई बहुत बढ़िया है यार।
और मेरे यहाँ पे ना एरिया में बारिश शुरू हो चुकी है, तो मेरी लाइट कभी भी जा सकती है। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से हाउस का टूर दे देता हूँ। ठीक है भाई, लाइट कभी भी जा सकती है मेरी, इसलिए मेरे को। हाँ तो कर, मत करना। ओ देखो देखो देखो, लंदन टावर, ये देखो क्लॉक टावर लंदन का, ये देखो अपना रोम, आई थिंक ये रोम में, ये पता नहीं मैं भूल गया हूँ, बट आप भाई बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। ये देखो अपना हॉलीवुड का लोगो है यहाँ पे, माइकल का रूम देख के आते हो। अबे भाई साहब, भाई माइकल का रूम तो एकदम पूरा डिजाइनर जैसा लग रहा है ना, वैसा लग रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया रूम लग रहा है। हाँ भाई माइकल का, भाई उसका वार्डरोब देखते हैं, क्योंकि वार्डरोब में भी, हाँ अरे भाई बहुत सारी चीजें चेंज है भाई। अबे अडिडास देखो भाई ऊपर, अडिडास नाइकी का लोगो देखो ऊपर यहाँ पे, अडिडास नाइकी पूमा वुडलैंड, भाई बहुत सारी चीजों का लोगो है भाई यहाँ पे तो। ओह भाई बहुत बढ़िया चीज किया है ना यार ये, भाई घर बहुत, ये देखो आईफिल टावर बीच में, भाई बहुत बढ़िया है ना यार, भाई रूम को बहुत बढ़िया कर दिया है भाई, सच कहूँ ना भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। जिमी का रूम देखते हैं भाई, जिमी का रूम देखते हैं, क्योंकि वो रूम ऑलवेज गंदा होता है। ओके जिमी के रूम में थोड़ा सा टेक्सचर चेंज लग रहा है, देखो फ्लोरिंग तो चेंज है आई थिंक। ये देखो विंडोज का आपको दिख रहा है यहाँ पे, देख सकते हो विंडोज 10 जिमी ने भी इंस्टॉल किया हुआ अपनी तरह ही, और इसके लैपटॉप में भी वही है। ठीक है, और अगर हम बात करें ये वाला, ये तो बाथरूम का, बाथरूम का तो समझे चलो, बाथरूम का तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग मोस्टली जाते ही नहीं माइकल के बाथरूम के अंदर। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो गाइज देख सकते हो भाई यहाँ पे, सॉरी मेरा लाइटिंग एक्चुअली में चला गया है, क्योंकि अभी यार थोड़ा सा बाहर क्लाउड्स आ गया है, इसीलिए भाई ट्वेसी का रूम भी थोड़ा सा मेंशनरी में हो चुका है। देखो ट्वेसी का फोटो पूरा, ये देखो उसका रूम वगैरह, भाई बहुत ही बढ़िया चीज कर दिया है भाई ये पूरा, भाई घर। ओ भाई इसके ऊपर रोशनी तो देखो भाई क्या ही पड़ रही है। हाँ भाई सन किस्ट फोटो माइकल का, सन किस्ट भाई एकदम बढ़िया लग रहा है यार। तो गाइज अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो भाई, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन भाई, सच कहूँ ना तो मेरे को ये मॉड तो बहुत पसंद आया सच कहूँ, और भाई इट इज लुकिंग एब्सोल्यूटली अमेजिंग भाई। तो अगर आपने ये मॉड इंस्टॉल किया, अगर आपका वर्क नहीं किया हो, तो भाई जरूर कमेंट करना और डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन कर देना। ठीक है, वी विल सॉल्व समथिंग आउट। अगर आपका मॉड वर्क किया हो फिर भी गाइज कमेंट करके बताओ कि आपको ये मॉड कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक जरूर करना भाई। 20 लाइक्स को भाई मिनिमम रख कर ही दो यार, क्योंकि 20 लाइक्स तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, 1K सब्सक्राइबर में 20 लाइक तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ गाइज हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो, तब तक स्टे सेफ, कीप गेमिंग एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल।